यार इसकी ड्राइंग कितनी मस्त है, मुझे लग रहा है मुझे इसे कमीशन वर्क देना चाहिए। बट यार कहीं ये भी ज़्यादा प्राइस ना करे चार्ज। चलो यार इसकी इंस्टाग्राम में चल के देखते हैं, क्या पता ये कैसा चार्ज करता है। ज़्यादा करेगा तो मैं इसे नहीं दूंगा ऑब्वियसली। चलो लेट आस्क हिम, कैन यू ड्रॉ कमीशन वर्क फॉर मी, लेट्स वेट फॉर हिज रिप्लाई। यार मैं ड्राइंग करके थक गया हूँ, बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं हुई है यार, मुझसे ना हो पाएगा यार। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ओके आई थिंक आई ओके भाई, फाइनली ये कमीशन वो कितने सालों बाद। भाई मैं ज़रूर ड्रॉ करूँगा, प्रेफरेंस फोटो भेजो भाई, मज़ा आ गया। लेट्स कंटिन्यू। ओके फाइनली चेतन ने मुझे रिप्लाई कर दिया है। ओके सेशन में कमीशन वर्क। ओके भाई बट प्राइस क्या होगा, आप कहीं 1-2 हज़ार ना ले ले यार, आजकल सब लोग वही रेट लगा रहे हैं। लग रहा है इंटरेस्टेड है, 500 प्राइस यार, और क्या ही बोलूँगा। चलो देखते हैं यहाँ बोलता है कि नहीं यार, तक अपन अपना वॉक कंटिन्यू करते हैं, वीडियो भी डालना है। हाँ फाइनली रिप्लाई आ गया यार इस चेतन का, 500। ओ भाई इतना कम यार, इतना चीप। अबे भाई तू ऐसे 3-4 आर्टवर्क बना दे यार, 500 यहाँ बाकी लोग तो 1-2 हज़ार ले रहे हैं यार, क्या भाई क्या ही मतलब, इससे तो बनाऊंगा बट इसको मैं कुछ चैलेंजिंग ज़रूर दूंगा। चल भाई तू ये करके दिखा तब मानूँ। अरे यार लग रहा है ये भी क्लाइंट कोई जवाब नहीं देगा। ओके वेट वेट वेट, क्या लिखा है, इट्स टू चीप, कंप्लीट इन 3 डेज। चलो यार चैलेंज एक्सेप्टेड, बट इसको ये चीप लग रहा है यार, क्या करे यार। अब चैलेंज एक्सेप्ट किया तो इसको करके दिखाते हैं अब, लेट्स गो गाइस। सो वॉट इज़ अप गाइज, आ चुकी हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो यार आप लोगों ने देखा क्लाइंट ने मुझे कितने सारे रेस्ट्रिक्शन दिए हैं, इतने कम प्राइस देने के बावजूद भी हो मुझे ऐसा बोल। सो गाइज जोक असाइड, मैं आप लोग को बता दूं यार ये कमीशन वर्क बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, क्योंकि इसमें सबसे हार्डेस्ट पार्ट ये आप लोग रेफरेंस फोटो देख के समझ गए होंगे यार, ये एक बेबी का फोटो है और मैंने आज से पहले इतना ड्रॉ नहीं किया, मतलब एक स्मॉल बेबी का, वो तो फिर भी ईजी है। आपको पता है सबसे हार्ड बात क्या है, आप अच्छे से देखो उन्होंने कृष्ण भगवान का मुकुट जैसा पहना हुआ है यार, वो बहुत हार्ड है यार। मैं उसका रेफरेंस वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड है फोटो, रेफरेंस फोटो, तो भी मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने कमीशन वर्क के लिए हाँ बोला। और मैंने इसका रिजल्ट कैसा बनाया ये आप लोग को आखिर में पता चलेगा, सब अभी बता दूंगा तो क्या देखूंगा आप लोग। सो गाइज और एक और बात याद है आप लोग को, मैंने पिछली वीडियो में क्या बोला था, मैं ब्रूस्टो पेंसिल का जब रिव्यू किया था तो मैंने बोला था कि मैं पूरा एक ड्राइंग ब्रूस्टो पेंसिल के साथ बना के दिखाऊंगा, और वही ये वीडियो में मैंने किया। मैंने बिल्कुल चारकोल यूज़ नहीं किया, सिर्फ बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया, उतना चलता है यार। तो मैंने पूरा ड्राइंग इसको ब्रूस्टो पेंसिल के साथ बनाया और मुझे बहुत मज़ा आया ब्रूस्टो के साथ बनाने में, बिकॉज जो रिजल्ट मुझे ऑप्ट हुए स्टेडलर के कंपेरिजन में बहुत अच्छे रिजल्ट ऑप्ट हुए, बस थोड़ा सा स्मूथनेस की कमी है ब्रूस्टो में, बाकी सब चीज़ बढ़िया है। बट उसका प्राइस भी आप देख सकते हैं, बहुत कम प्राइस की है वो पेंसिल। सो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैंने कंप्लीट किया, अब आप लोग की प्रॉमिस की बारी, सब्सक्राइब करो अभी। और आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उसका कंपैरिजन भी करूं मैं, मतलब पेपर में या फिर सब में, तो मैं ज़रूर करूंगा। फिलहाल ये कमीशन वर्क इन्जॉय करो, और अब आ गई है सबसे हार्डेस्ट पार्ट की, वो है हेयर। हेयर वो हार्डेस्ट पार्ट नहीं है, इसका हार्डेस्ट पार्ट है मुकुट बनाना। हाँ मुकुट बनाना, मुकुट ही बोलते हैं ना, हाँ वही बोलते हैं। और गाइज मुझे फेस शेडिंग के बाद इतना ज़रूर पता चल गया कि ब्रूस्टो की पेंसिल बहुत अच्छी थी, स्मूथनेस में बस थोड़ी कमी थी, बाकी सब चीज़ अच्छा था। अब यार आ गया सबसे हार्डेस्ट पार्ट बनाने का, मुझे डर था कि मैं इसको बना पाऊँगा कि नहीं, बट मैंने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया, टाइम लिया मैंने अपना। और आप लोगों ने देखा एक और लिमिटेशन थी, वो है 3 डेज़ के अंदर मुझे आर्ट वर्क कम्प्लीट करना था, जो मेरे लिए बहुत फास्ट था बिकॉज मैं अपना टाइम लेके ड्रॉ करता हूँ, बट मुझे ये चीज़ सीखने चाहिए जल्दी ड्रॉ करने की बात, और मैंने करी, मैंने इसे 3 डेज़ से पहले कंप्लीट किया। आप लोग वीडियो आखिरी तक देखो और बताना आर्ट वर्क कैसा लगा, और जो मैंने ड्रामा क्रिएट किया शुरू में वो कैसा लगा ज़रूर बताना। मज़ा आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो कंपैरिजन की भी लाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। और प्लीज़ इस वीडियो में बहुत मेहनत लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वीडियो क्रिएशन में मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया, बट ड्राइंग में मैंने अपना 100% दिया, और यार
वीडियो क्रिएशन में इसलिए नहीं दे पाया बिकॉज यार आप समझ रहे हो मुझे कमीशन वर्क देना था, मैं थोड़ा नर्वस था तो इसलिए मैं थोड़ा पेशेंस रख के आर्ट वर्क पे ध्यान दे रहा था ना कि वीडियो पे। तो यार बस जल्दी अपना आर्ट वर्क कम्प्लीट होने लगा, सबसे हार्डेस्ट पार्ट कम्प्लीट हो चुका है, अब बाकी है क्लोथ की। और ये पूरे कृष्ण भगवान के गेटअप में थे बच्चे जो भी थे, तो अब बारी है क्लोथ की। मैं ये तो ईजिएस्ट पार्ट है, इसको आप लोग आराम से ड्रॉ कर लोगे। और आपको एक और बार बताना है, आप लोग को एक सजेशन लेना था गाइज, मैंने एक वीडियो के रिलेटेड टॉपिक सोचा है और वो टॉपिक है हाउ टू अचीव डार्कनेस विथ ग्रेफाइट पेंसिल, हाउ टू अचीव मोस्ट डार्क वैल्यू, जैसा आप देख रहे हो इस ड्राइंग में मैंने अचीव किया है। तो अगर आपको ये ड्राइंग चाहिए तो मैं ज़रूर लाऊंगा, आप लोग एक कमेंट कर दो। तो आप लोग वीडियो पूरी देखो और जाके चैनल विजिट करो और बाकी वीडियोस देखो। मैं इस कमीशन को जल्दी से कंप्लीट करता हूँ और देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है और क्लाइंट के रिव्यू का भी वेट करेंगे। चलो यार स्टार्ट करते हैं, मतलब एंड करते हैं। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules? तो गाइज फाइनली आर्ट वर्क कम्प्लीट हो चुका है और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ रिजल्ट के साथ। और आप लोगों को कैसा लगा ये ड्राइंग ज़रूर बताना, और जो आपके आसपास वीडियो आ रही है उसको भी जाओ देखो, मतलब मेरी वीडियोस को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तक के लिए गुड बाय गाइज, टेक केयर।